नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैशन फ्रूट की खेती के बारे में, यानी कि कृष्णा फल की खेती के बारे में। इसके बारे में हमसे पूछा था स्टीवन ने, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा। आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, हम पैशन फ्रूट की खेती के बारे में बातचीत शुरू करें, उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि पैशन फ्रूट का इस्तेमाल कई बीमारियों को खत्म करने के लिए एक औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे गठिया रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, जैसे मासिक धर्म में जिन महिलाओं को दिक्कत होती है, जैसे जिनको नींद नहीं आती, जैसे मानसिक रोगी जो हैं, जो बच्चे हैं जिनमें पैदाइशी कोई मानसिक दिक्कत है, कोई मानसिक विकार है, उनको दिया जाता है। तो कई प्रकार की बीमारियों के अंदर इसके जूस का और इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है एक औषधि के रूप में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैशन फ्रूट की किस्मों के बारे में। तो एक होती है पर्पल पैशन, जो 35 ग्राम की होती है और बहुत तेजी से इसका पौधा ग्रोथ करता है। एक होती है येलो गोल्डन पैशन, इसका फ्रूट जो है वो लगभग 80 ग्राम का जाता है और ये थोड़ा स्लोली स्लोली ग्रो करता है। एक है कावेरी, कावेरी जो है इसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों ने तैयार किया है, ये भारत की किस्म है। इसका फ्रूट जो है वो होता 80 ग्राम का है, लेकिन ये पर्पल और येलो इनका हाइब्रिड है। और उसी के बाद में एक बहुत बड़ा फ्रूट होता है, लगभग 650-650 ग्राम तक चला जाता है, वो है जेंट। तो ये चार बड़ी किस्में जो हैं इसके अंदर सबसे बढ़िया मानी जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पौधे को लगाने के तरीके के बारे में। इसका पौधा जो है वो बेल के रूप में बढ़ता है और आपको इसका पौधा लगाना है प्लांट से प्लांट की दूरी 12 फीट और रो से रो की दूरी, यानी लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट। 12x9 के हिसाब से आपको इसके पौधे लगाने हैं। एक एकड़ के अंदर आपके लगेंगे 403 पौधे। इस वक्त एक बात का ध्यान रहे, बेल के रूप में इसका पौधा आगे बढ़ता है तो इसके पौधे को जैसे अंगूर के बाग को सपोर्ट दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसके बाग को भी सपोर्ट आपको देना रहेगा, यानी कि उसके अंदर पिलर लगा के इसकी बेल जो है उन पिलरों के ऊपर चढ़ानी रहेगी। और अंगूर की खेती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार के थंबनेल वाली हमारी वीडियो होगी, वो देख लीजिएगा। और अब रही बात कि उगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, तो उगाते वक्त खड्डा खोदना है, उस खड्डे के अंदर बर्मी कंपोस्ट डालना है, जो बाहर की मिट्टी है वो डालनी है। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद डाल दीजिए, नीम खली पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और पौधा उसके अंदर लगा दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। जिस दिन आप पौधा लगाएंगे उसके बाद 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ये पौधा आपको फल देना शुरू कर देगा। उसी के साथ आपको बता दूं, जो पर्पल और जेंट वैरायटी है ये फल देंगे आपको मार्च अप्रैल और जुलाई अगस्त में, ये साल में 2 बार फल देते हैं। और जो येलो गोल्डन और कावेरी वैरायटी हैं ये आपको फल देंगे मई जून और सितंबर अक्टूबर में। जिस टाइम फ्रूट सेटिंग होगा, यानी फ्लावर से फ्रूट बनने का टाइम होगा, उस टाइम आपके एरिया के अंदर 18 डिग्री से 23 डिग्री का तापमान होना चाहिए, क्योंकि इसका पौधा जो है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर 10 डिग्री से नीचे ना जाए और जो है 40 से 45 डिग्री से ऊपर ना जाए। यानी 10 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में अगर आपके टेम्परेचर है तो ठीक है, एकदम कम हो गया टेम्परेचर, एकदम बर्फ जम गई तो भी पौधा खराब हो जाएगा। और अगर 48 डिग्री 47 डिग्री 2-4 दिन लगातार चला गया तो भी पौधा जो है वो खराब हो जाएगा। मेन टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से 35-40 डिग्री के बीच में। और इसी के साथ अब बात करते हैं कमाई के बारे में। कमाई की दोस्तों बात ऐसी है कि ये पौधा जो है 12x9 के हिसाब से अगर आप एक एकड़ के अंदर लगाएंगे आपके लगेंगे 403 पौधे। एक पौधे पर एवरेज आता है 4 से 6 किलो का फ्रूट का, हम मान के चलते हैं कि 5 किलो फ्रूट आ जाएंगे, तो 403 गुणा में 5 किलो अगर करते हैं तो लगभग 2015 किलो फ्रूट हो जाते हैं। इसके फ्रूट का जो मार्केट वैल्यू है वो आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे या कई किसानों से सुनेंगे और नर्सरी वालों से पूछेंगे तो वो आपको लगभग बताते हैं कि 125 से लेके 150-250-300 तक बिक जाता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिमांड के हिसाब से इसका पौधे का जो वो फल का जो भाव है वो ऊपर नीचे होता है।
और ये तो माना जाता है कि मिनिमम से मिनिमम 125 रुपए किलो बिकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए किलो भी अगर बिकता है तो एक एकड़ से अगर 2000 किलो हो जाता है तो भी अपना जो है 2,00,000 रुपए का मुनाफा हम उसमें कमा सकते हैं। तो कमाई अच्छी खासी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो फ्रूट है ना, इसके बारे में अभी वही लोग कामयाब हैं जो लोग खुद ही खेती करते हैं, खुद ही इसका जूस निकालते हैं और उस जूस की पैकिंग करके दवाई के रूप में लोगों को बेचते हैं। जो आदमी इसको मंडी में लेके जाएगा तो अपने यहां तो बिकेगा नहीं, ये नॉर्मल मार्केट में बिकेगा नहीं। इसको वही लोग लेते हैं जो लोग इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर आप इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो इसकी खेती करिए, वरना इसकी मार्केट अगर आप ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, वरना बड़ा मुश्किल है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।